हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन वचन देहधारी हुआ, जैसे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर शब्द को अगर इब्रानी भाषा में पढ़ें तो परमेश्वर के लिए एलोहीम शब्द लिखा गया है, यानी कि आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसका मतलब है एक से ज़्यादा परमेश्वर। और यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, देहधारी होकर यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ही वचन थे। और आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। कुछ भी यीशु के बिना पैदा नहीं हुआ। इसलिए आज परमेश्वर की हजूरी आपके अंदर है और जब आप वचन बोलेंगे तो चीज़ें आपके जीवन में पैदा होनी शुरू होंगी। लेकिन जब तक आप वचन नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी आपके जीवन में पैदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझे कनान देश देता हूँ जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जिन लोगों को मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनमें से 10 लोग उस देश के बलवान और बड़े लोगों को देखकर डर गए थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कालेब और यहोशू ने कहा कि नहीं, हम अपनी ताकत से उस देश से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है। और बाइबल बताती है कि सारे इसराइली लोगों में से सिर्फ यहोशू और कालेब ही कनान देश में पहुंच पाए थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। क्या अब आपका पति जो नशे करता है उसके नशे पर विश्वास करते हैं, या जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करते हैं कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा? क्या आपको वचन नहीं मिला कि यीशु के कौड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके हैं? क्या आपको वचन नहीं मिला कि प्रभु यीशु मसीह के बांधे जाने से आप आजाद हो चुके हैं? आपको सिर्फ अब वचन बोलने हैं और परमेश्वर के छुटकारे, चंगाई और बरकत को अपने जीवन में लेकर आना है। बिना वचन के आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आपको हमेशा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और उन पर मनन करना है और अपनी आशीषों को अपने जीवन में उत्पन्न करना है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं आपके वचनों को अंगीकार कर सकूं और उन पर मनन करके अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।